करती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चटकर गिरना गिरकर चटना ना खुराता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज मैं आपको एक ऐसे जगह लाया हूं जो देश के भविष्य हैं। मैं हूं झंझारपुर के महेशपुरा गांव में, एक ग्रामीण इलाके में। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सुदूर ग्रामीण इलाके में इंडियन साइंस स्कूल के कैंपस में अल्फा द रिसर्च सेंटर, इसी नाम से ये इंस्टीट्यूट चलता है, जिनका डायरेक्टर कैमरा में आप दिखाई पड़ रहे हैं। मंच पर जो लड़के हैं वाकई काबिले तारीफ हैं। उन्होंने इस वर्ष अपना अध्ययन कर ऐसे मार्क से अपने रिजल्ट को अपने माँ बाप के सामने में प्रस्तुत किया है कि न सिर्फ स्कूल के शिक्षक, उनके ग्रामीण, उनके माँ बाप भी अपने पुत्र पुत्रियों पर गर्व करने लगे हैं। आज ऐसा माहौल है, स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं ऐसे ही टैलेंटेड भारत के भविष्य से आपको मिलवाना चाहता हूं। इस स्कूल में यूं तो टॉपरों की लाइन लगी हुई है। मैं अपने इस चैनल पर सभी से अगर मिलवाना चाहूँ तो घंटों डेढ़ घंटे लग जाएंगे, इसीलिए जो टॉपर में टॉपर हैं उन लोगों से मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। इस स्कूल में टॉपर नंबर 3, क्या नाम हुआ बाबू? आकृति कुमारी। कहाँ घर हुआ? झंझारपुर बेहट। कोरोना काल में जब स्कूल बंद थी, पढ़ाई नहीं थी, घर से निकलना मुश्किल था, ऐसे में कैसे तैयारी की आप? सर घर पे सेल्फ स्टडी करके। सेल्फ स्टडी करके? यस सर। उसके बाद यहाँ आ रहे थे। कैसा लग रहा है जब आपको अपने शैक्षणिक संस्थान में मंच पर सम्मानित किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बनना चाहते हैं? हम कलेक्टर। अरे वाह, ताली बजाइए इनके लिए। एक बार नाम बताइए अपना। आकृति कुमारी। बेटा मैं आपसे फिर पूछूंगा, जब 12वीं करोगी और ग्रेजुएशन करोगी मैं याद दिलाऊंगा कि आपको क्या बनना है। जो आप बोले हैं उसको भूलना नहीं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। इस स्कूल में गुड़िया कुमारी का कुछ अलग टैलेंट है। ये सेकेंड टॉपर इस इंस्टीट्यूट के तो हैं ही, बहुत ही अच्छा स्पीच देती हैं, कविता पाठ करती हैं। मैं अभी कुछ देर पहले सुन रहा था, एकदम माइक से स्पीच देती हैं। अगर इनका यह टैलेंट भी निखरा तो पढ़ने लिखने के साथ ये ज़बरदस्त वक्ता बन सकती है। आपको बधाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी, कैसा लग रहा है इस सम्मान समारोह में सम्मानित होकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी जाकर ऐसे ही ऊंचा ऊंचा पद। नारी सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। क्या आप आगे बढ़ के क्या करना चाहती हैं इस दिशा में? मैं आगे बढ़कर इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहती हैं। नारी सशक्तिकरण पर भी आपका कुछ ध्यान रहेगा? यस सर। अपने मम्मी पापा जो आपके आए हुए हैं, अच्छा आज नहीं आए हैं, मम्मी पापा को भी बधाई बहुत। इनके मम्मी पापा किसी कारणवश अभी नहीं आए हैं, लेकिन आप यह फ़ोटो ज़रूर दिखाइएगा और यह बताइएगा कि मैं आपकी गर्व हूँ। इस स्कूल के टॉपर, क्या नाम? रौनक कुमार। रौनक कुमार के लिए एक बार तालियां हो जाए। रौनक जी कहाँ हुआ? मेरा महेशपुरा हुआ। महेशपुरा हुआ, कैसे पढ़ाई किए? जी सर अभी तो चला है कोरोना, मतलब महामारी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो गाँव में एक इंस्टीट्यूट खुल गया अल्फा द रिसर्च सेंटर, जहाँ आप हैं, जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहाँ पे 5 शिक्षकों द्वारा अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाए जाते थे, जिस कारण से मैं इतना अच्छा अंक ला पाया हूँ। उन शिक्षकों का नाम बता सकते हैं? जी सर, गणित के विशेषज्ञ सर प्रकाश सर जो थी अल्फा के डायरेक्टर हैं, साइंस के विशेषज्ञ राहुल सर, SST के विशेषज्ञ मिथिलेश सर, हिंदी के विशेषज्ञ पूजा मैम, सभी लोगों ने आपको पढ़ाया और उसको अध्ययन करके आप स्कूल टॉपर बने। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर IITian इंजीनियर। IITian इंजीनियर बनना चाहते हैं। ईश्वर इनकी कामना को पूरी करें। मैं अब पीछे खड़े एक एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? राकेश कुमार। कहां घर हुआ? महेशपुरा। महेशपुरा, इसी वर्ष पास किए हैं? यस सर। क्या बनेंगे बड़े होकर? मेरा लक्ष्य है इंजीनियर। वाह, इंजीनियर बन के अल्फा को भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं। इसी मंच पर आप सम्मानित हो रहे हैं? यस। आपका क्या नाम?
सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, घर कहाँ हुआ? महेशपुरा। क्या बनना चाहेंगे? आर्मी। आर्मी? अरे वाह, देश की शान। तालियां। आप भी आइए। क्या नाम हुआ आपका? सर सुमंत कुमार। सुमंत कुमार। घर? महेशपुरा। महेशपुरा। पापा का नाम? दिनेश पासवान। क्या बनेंगे आगे बढ़कर? डॉक्टर। डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बनेंगे, बायोलॉजी रखेंगे? यस रखेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। आप आइए। क्या नाम आपका? हर्ष रूपेन। हर्ष रूपेन। रूपेन। घर आपका? महेशपुरा। महेशपुरा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मंच पर बुलाकर आपको सम्मानित कर रही है, इसका यह कारण है कि आप में पढ़ने की ललक और उत्साह दोगुना गति से आगे बढ़ते रहे। यस सर। क्या बनेंगे? MBBS डॉक्टर। MBBS। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप आए थे? क्या नाम आपका? विकास कुमार नाम है। विकास कुमार। घर कहाँ? थोड़ा आगे आ जाइए। महेशपुरा मेरा घर। महेशपुरा घर हुआ। क्या बनेंगे आप आगे? सर मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं। MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं। धन्यवाद। आप आइए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार। घर कहाँ आपका? महेशपुरा है। क्या बनना चाहेंगे? सर हम ITI करके इंजीनियर बनना चाहते हैं। मंच पर और भी कोई है जिनसे अभी परिचय मैं नहीं करवा पाया? सारे लोग आ गए मंच पर, काफ़ी लोग हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बड़ा अजूबा लगेगा जो कि अब इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है। दान तो सुना होगा आप लोगों ने, कौन कौन दान होता है? धन दान, भोजन दान, वस्त्र दान, उसके बाद रक्त दान, कन्या दान, देह दान, अस्थि दान। इन सभी दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? रक्तदान। रक्तदान सबसे बड़ा रक्तदान। और मैं अगर कुछ आपको और भी बताना चाहूँ, जो सबसे बड़ा की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसा दान जिसको देने से आपकी स्टॉक बढ़ती हो, रक्त देने से रक्त घट सकती है, उससे भी बड़ा दान क्या होगा? जितने लोग बोले हैं उसमें कोई विद्यादान। विद्यादान एक ऐसा दान है जो देने से बढ़ता है, और आपको इस इंस्टीट्यूट में विद्यादान दिया जा रहा है। और विद्यादान देने वाले डायरेक्टर साहब, आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं प्रकाश कुमार आजाद सर। आपके बच्चे बहुत सफल हुए हैं इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में। आप कैसे सोचे जो यहाँ पर मैं ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ? सर सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में, और ये हमारी जो इलाका है, आप आए होंगे तो देखे होंगे सर कि ये टोटल जंगल है। जी जी। जंगल की तरफ इस तरफ बच्चा आने से डरता है, आना चाहता नहीं है, क्योंकि पूरा अंदर में पड़ता है, रोड साइड में है नहीं इंस्टीट्यूट। तो कुछ लोगों ने डीमोटिवेट किया कि सर आप जंगल की तरफ जा रहे हो, जंगल में बच्चा कैसे जाएगा? हमने बोला सर आपने कभी हीरा ढूंढने वाले को देखा है? हीरा खोदने के लिए वो ज़मीन को कोड़ के तब निकाल लेते हैं। मैं तो बस जंगल में आया हूँ, जंगल में रहूँ या कहीं भी रहूँ, हीरा दूंगा तो हीरा ढूंढने के लिए ढूंढने वाले आ जाएंगे, और मैं सफल हूँ इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बच्चे मुझे ढूंढ करके, गार्जियंस हमें ढूंढ करके यहाँ आए, और ये आज की इस ये मेरी सबसे पहली सफलता है। झंझारपुर में ऑफलाइन क्लास करके सबसे पहली बार मैंने झंझारपुर महेशपुरा के बच्चों को, साथ में हमारे अभी इस बार ऑफलाइन में मेरे पंचायत के बच्चे, मैं सिमरा पंचायत में पढ़ता हूँ, और सिमरा पंचायत के सिमरा मझौड़ा और महेशपुरा के, साथ में झंझारपुर से एक बच्चे, तो चार गांव के बच्चे इस बार मेरे पास स्टडी किए, जो कि मैट्रिकुलेशन पास किए और बेहतर अंकों से पास किए। मैं आपको बता दूँ सर कि हमारे यहाँ शिक्षक अकेला नहीं, बल्कि चार चार टीचर, पाँच पाँच टीचर मिलकर हम लोग क्लास कर रहे हैं, और बच्चों को जो 10th में स्पेशली थे बच्चे हमारे पास जब आए, तो बच्चों में जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए 9th लेवल की, क्योंकि 10th में आए तो 9th लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, वो नहीं थी। हमने 6-6 घंटा पढ़ाई करवाया बच्चों को, 6-6 घंटा रखा। जब उनके अगल बगल के कुछ ऐसे गार्जियन थे जो देख रहे थे कि बच्चा केवल ट्यूशन ही जा रहा है, बार बार अल्फा जा रहा है, सुबह उठता है अल्फा, शाम उठता है अल्फा, तो लोग बोले कि ये लोग केवल अल्फा जाता रहता है। बच्चे लोग मुझे बोले कि सर जब आते रहते तो गार्जियन लोग बोलते रहते हैं केवल तुम सुबह शाम ट्यूशन जाता रहता है। हमने बोला तुम शांत रहो, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना बम फूटेगा, फिर सबकी अपने आप दिमाग खुल जाएगी, नहीं अल्फा जाने से फ़ायदा क्या है।
और बच्चों ने करके दिखाया। मुझे बहुत आनंद महसूस हुई जब बच्चों ने रिजल्ट लाया। ग्रामीण स्तर पर मेहनत करके मैंने इस प्रकार से, और साथ ही हम अपने सभी अल्फा के टीचर्स को, अल्फा के टीम को, आप अपनी टीम को मैं बुलाना चाहूँगा, आपके पीछे आ जाए जो सब कोई देख लें। पूजा मैम, सुभाष सर, सुभाष सर, राहुल सर, मिथिलेश सर, ये सर मैं आपको बता दूं कि हम सभी यंग टीम हैं, और यंग टीचर्स का जो जज्बा मैंने देखा मुझे बहुत खुशी हुई। एक होता है कि जो पुराने सिस्टम से चलते रहते हैं टीचर्स, उनमें दिक्कत क्या है कि अगर यदि बच्चों में कुछ नया डालना है, नई चीज़ देना है, तो वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे मैं रिसर्च में भी हूँ, मैं मैथमेटिक्स से रिसर्च कर रहा हूँ, और साथ में मैं एक नई डिवाइड का रूल निकाला हूँ। तो जो पुराने टीचर्स हैं मेरे, जब वो रूल को, नियम को देखते हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं। अब दिक्कत यहाँ पे है कि उनके साथ डिस्कशन हो जाती है कि पढ़े नहीं, तो अब नया चीज़ आया तो उनको एक्सेप्ट करेंगे। अब तो यंग जनरेशन में ये चीज़ एक्सेप्टेशन करने की पावर है, और हमारे जितने भी यंग टीचर्स हैं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कुछ नया हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए और बच्चों को नए चीज़ से अवगत कराया जाए। जो पुराने टीचर्स हैं स्पेशली, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप भी इस चीज़ को जाने कि नया आ रहा है तो उसको स्वागत करें, बच्चों को और भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमारे सभी टीचर्स हमको बहुत, मुझे बहुत साथ दिए, साथ ही इन लोगों की एक ऐसी स्ट्रेटजी रही कि मैं जब कभी भी इनको बुलाया कि सर 5 बजे क्लास करनी है, तो ठीक है सर आ जा रहे हैं, सर 9 घंटे की क्लास करें। रविवार को सभी टीचर्स छुट्टी में रहते हैं, लेकिन अल्फा की पूरी टीम 9 घंटे की क्लास करती थी, बच्चे को 3 घंटा की क्लास, फिर 1 घंटा का ब्रेक, फिर 3 घंटा क्लास, तो 9 घंटे की संडे को क्लास करा करके इन बच्चों को बोला था। मैंने किसी 9th लेवल के बच्चे नहीं थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत हम लोग किए, और साथ में बच्चों ने लगन से पढ़ाई दिया, क्योंकि पढ़ाने में टीचर्स तो मजा ले ही रहे थे, और इतने मज़े से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि बच्चे आनंद लेकर के पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे बोझ पड़ रहा है पढ़ाई। तो जो बच्चे बहुत वेरी वीक थे, उनको हमने स्ट्रॉन्ग ला करके और स्ट्रॉन्ग करके, मैं आपको एक बच्चे का उदाहरण देना चाहूँगा सर, ये सुरेश कुमार जी। ये एक ऐसा बच्चा है जो रिजल्ट के बाद हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुशी इसी को हुई, क्योंकि ये बच्चा जब आया था तो बार बार क्वेश्चन करता था कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, सर प्लीज़ फिर से बता दीजिए, और बताते बताते बार बार बताने की क्रम में इसको इस प्रकार से अब सीखने को मिल गई कि लास्ट टाइम में जब मैं पूछता था कि बोर्ड पे कौन आके बताएगा, ये बोलता था कि सर आई एम रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीन्स इस प्रकार की इसकी अब दिमाग खुल गई कि इनके मोहल्ले में जो अगल बगल के टीचर्स, ये गार्जियन हैं, जो बच्चे हैं, वो इनको अब फॉलो कर रहा है कि नहीं, जब सुरेश जैसा बच्चा जो पढ़ने में पहले बहुत कमज़ोर था ऐसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये जज्बा मोहल्ले के लोगों को मिल गया, और मैं चाहूँगा कि इस सुरेश कुमार से आप सभी जो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे प्यारे मोटे बच्चे हैं, वो इनसे ज़रूर जज्बा लें, इनसे ज़रूर सीख लें, और अपने खून को खौलाएँ कि देखो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको सदैव आगे बढ़ने को हेल्प करेगी। सर ने अभी बोला कि ये कौन सी दान है, एक ऐसी दान है कि दान करने पर बढ़ती है, और ये इन लोगों में एक क्वालिटी आपको दिखेगी कि मैं केवल पढ़ाता नहीं था, इन लोगों को पढ़ाने पर मजबूर किया। एक्सप्लेनेशन, सर आप कभी कभी इनका टैलेंट का कभी ये इंटरव्यू लीजिएगा, इनके अंदर जो टैलेंट है, एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता है, हमने इनको पढ़ा करके टीचिंग करने के बाद इन लोगों को बार बार मैं बोर्ड पे बुलाता था कि बोर्ड पे आके आप एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझाओगे लोगों को आप। तो इन लोगों में वो हर चीज़ टैलेंट मैंने दिया, केवल मार्क इन लोगों के नहीं आया है, बल्कि जब अगल बगल में घूमते हैं तो लोग, जब गार्जियन या अदर टीचर्स मिलते हैं तो बताते हैं कि नहीं सर, और साथ में 10th से पास करके अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जो साइंस रखते हैं स्पेशली, तो टीचर्स जो फिजिक्स के टीचर हैं, जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, वो कॉल करते हैं कि सर आपके बच्चों में टैलेंट है, गजब की टैलेंट है सर, आप लोगों ने मेहनत किया, ये रंग दिख रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे मुझे गौरवान्वित कर रहे हैं, गांव को गौरवान्वित कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे भविष्य में। आपने इनके बातें सुनी, एक्सपेरिमेंट किए हैं, नयापन लाए हैं, और नयापन भी पुराने से ही आता है, ओल्ड इज गोल्ड भी है, ओल्ड का तो सम्मान होगा ही, तो पुराने से ही नए बनते हैं। मैं आपसे अंत में यह भी जानना चाहूँगा कि आप महेशपुरा और अगल बगल के बच्चों को, उनके अभिभावकों को अपने अल्फा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं तो बस ये संदेश देना चाहूँगा सर कि हमारे समाज में जो मैं तो लॉकडाउन में यहाँ आया सर,
लॉकडाउन के बाद से मैं यहाँ की जो समाज की प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि अगर शिक्षा रूपी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए तो हम मेरा समाज उतना शिक्षा के प्रति अग्रसर नहीं है। अगर पूजा पाठ कराया जाए, कहीं पे हवन कराया जाए तो उसमें भीड़ लग जाती है, लोग जबरदस्ती जमते हैं वहाँ पे, भीड़ हद से ज़्यादा लगती है, लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। लेकिन अगर शिक्षा की बात किया जाए तो ना तो नेता आगे आ रहे हैं, ना ही उतना अभिभावकगण उनको समय मिल रहा है। अभी अवार्ड फंक्शन थी, कुछ बच्चे के गार्जियन नहीं पहुँच पाए, तो अगर यहीं पर अगर यदि पूजा पाठ होती तो ज़रूर पहुँचाते वो। तो पूजा पाठ पर ध्यान ना दे करके उसके साथ साथ अगर बच्चों को ये समझाया जाए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप शिक्षा रूपी चीज़ को बढ़िया से, अगर ये पूजा करेंगे आप, अगर यदि किताब कॉपी को अपना खिलौना बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पूजा पाठ में लगे हैं उनकी बातों को मैं आघात नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन वो सही से बताएँ, ट्रैक से थोड़ा सही लाएँ, वो लोगों को अंधविश्वास में रख करके इस बात पर भ्रम फैला रहे हैं कि केवल पूजा पाठ से सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चे हमारे सारे बता देंगे कि केवल अगर यदि लड्डू चढ़ा देते हम हनुमान जी को तो बढ़िया रिजल्ट नहीं आ जाता, ये सारे बच्चे आप समझ चुके हैं। और मेरे अल्फा दी रिसर्च सेंटर के बच्चे और साथ ही इंडियन साइंस स्कूल मेरा ही है, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी अब समझ गए हैं कि नहीं, साइंस ही सब कुछ है। साइंस का नारा है कि जय विज्ञान जय इंसान। तो इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे हम इसे फोकस करते हैं कि अंधविश्वास ना फैले। जो हमारे टीचर्स हैं वो टीचर्स तन मन धन लगा करके बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो केवल अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को या अपने अगल बगल के बच्चों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से काम नहीं बनेगा। अगर यदि हमें बच्चों में रंग लाना है, बच्चों में काबिलियत लाना है तो उन्हें सिखाना होगा, पढ़ाना नहीं होगा, सिखाना होगा। जब बच्चा सीख जाएगा, समझ जाएगा, उसका जलवा ही कुछ और होगा, बच्चे खुल के बात करेंगे, खुल के समझ पाएंगे, बच्चे को समझ में आता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये बात तो सही है, शिक्षा ही संसार है, और समझ गए बच्चे तो फिर अपना ओपन करते हैं दिल को। हमारे पीछे देख रहे हैं सारे बच्चे टैलेंटेड खड़े हैं, इस साइड भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कितने सारे बच्चे हैं खुशी से इस माहौल को देख रहे हैं। हाथ उठा के अपनी उपस्थिति जताएँ आप लोग, ये सारे लोग हैं इसी इंस्टीट्यूट में आए हैं, यहाँ देख रहे हैं सब कुछ, और शिक्षा ही संसार है इसी का नारा देते हुए मैं डायरेक्टर को, इनकी पूरी टीम को, टॉप करने वाले सभी विद्यार्थियों को, और ख़ासकर उनको जो टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं हुए हैं उनको विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छी गीत गाई जा रही थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये कोशिश हम लगातार जारी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर दें। करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में, जब ये गाना बजेगा तो आना पड़ेगा।